जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, कुंभ राशि के दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे और कुंभ राशि के दैनिक राशिफल में 22 जून के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों के 22 जून के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 22 जून को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और मीन राशि दूसरा भाव है कुंभ राशि वालों का। दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। उनका गोचर इस समय पर वृषभ राशि में चौथे भाव में चल रहा है और तीसरे भाव में राहु का गोचर है और प्रथम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। तो प्रेम संबंधों में 22 जून के परिणाम की बात करें तो 22 जून को प्रेम संबंधों में आपको सामान्य परिणाम ही प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि चंद्रमा का गोचर रेवती नक्षत्र में है तो वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आपकी बाणी पर आप इस समय संयम रखकर चलें। हालांकि गुरु के साथ चंद्रमा का गोचर का योग बन रहा है इसलिए बाणी आपकी मधुर रहेगी, लेकिन फिर भी आपके परिवार के सदस्य को लेकर अगर आपका प्रेमी प्रेमिका कोई भी बात ऐसी करता है या आपके धन को लेकर कोई ऐसी बात करता है तो आप धैर्य और संयम का परिचय दें, बाणी पर मधुरता बनाकर रखें और कोई भी बातें होती हैं तो अपने प्रेमी प्रेमिका से स्पष्टता से बात करें और कोई भी ऐसी बातें ना कहें जो आपके प्रेमी प्रेमिका को अच्छी ना लगें। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से बातचीत चल रही है यानी मित्रवत संबंध हैं या आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो आज के दिन आपके इस प्रपोज में यानी जो आप प्रस्ताव अपने प्रेमी प्रेमिका को देना चाहते हैं यानी अपने मित्र को प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं वहाँ पर बहुत धैर्य और संयम के साथ आपने बाड़ी में मधुरता रखकर ही बातचीत करनी है, क्योंकि गलत फहमियाँ होते हुए देर नहीं लगेगी। इस बात को ध्यान में रखकर चलें। अपने प्रेमी प्रेमिका यानी अपने मित्र के बारे में उसके परिवार के सदस्यों को लेकर कोई भी बातचीत ना कहें और अगर वो आपके परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई बातचीत करता है तो उस पर एकदम से प्रतिक्रिया ना दें, सोच समझकर आप जवाब दें तभी अच्छा रहेगा, वरना आज के दिन आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा ऐसा मुश्किल होगा, क्योंकि गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर चलें। जिनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं यानी अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनका पुराना प्रेम संबंध था लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो पा रही है, प्रेम संबंधों में उतनी मधुरता नहीं है जो कि उनकी बातचीत हो और आप चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाए, आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो आप प्रयास करके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आज के दिन बहुत अच्छा रिस्पांस आपके प्रेमी प्रेमिका से आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कनेक्टिविटी करने की कोशिश करें लेकिन दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के दिन वो संबंध पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल है। तो आप प्रयास कर सकते हैं और आगे चलकर आपके संबंध नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आज ही आप इतना ज़्यादा प्रयास ना करें कि आज ही आपकी बातचीत शुरू हो जाए और दोबारा से आपका प्रेमी प्रेमिका संबंधों में आ जाए, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा। और वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं, वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आज के दिन अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी वाणी तो मधुर रहेगी लेकिन आपको फिर भी ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से आज के दिन बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी की, कोई भी बातें की तो वाद विवाद आपके साथी के साथ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और आपका साथी इस समय पर अपने वैवाहिक संबंधों में, अपने दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ईमानदारी चाहेगा आपसे, आपसे ईमानदारी की बात करेगा, वफादारी की बात करेगा और सच्चाई की बात करेगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और अगर आपने कोई विवाह से अलग संबंध बना रखे हैं तो इस समय पर ऐसा समय चल रहा है जब आपके जीवन साथी को ये बातें पता चल सकती हैं।
और उसके चलते आपका वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखकर चलें। और इस समय पर आपके किसी परिवार के सदस्य को लेकर भी आपका जीवन साथी आपसे वाद विवाद कर सकता है, इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और आपके जीवन साथी के साथ आपके परिवार के सदस्यों का तालमेल अच्छा रहना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखकर चलें। और अगर कोई वाद विवाद जीवन साथी का आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होता है तो वहाँ पर आप जो सही है वही कार्य करें, आप ऐसा ना करें कि जीवन साथी को आप पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, और विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर आज के दिन आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपका साथी आपके परिवार के किसी सदस्य के चलते काफ़ी सारे प्रश्न कर सकता है आपसे, लेकिन फिर भी संबंध आपके सामान्य ही रहेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।